है शिवरात्रि, और सबसे पहले आपको हैप्पी शिवरात्रि। और आज एक नया एक्सपीरियंस लेने आए हैं हम, वो एक्सपीरियंस आपको दिखाएंगे कैसा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भी एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए, तो मैंने भी सोचा एक बार ट्राई करके देख लो क्या बुराई है, लगेगी तो ज़रूर उसको पसंद करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो अभी हम हैं द्वारका सेक्टर 12। तो भाई सबसे पहले तो अभी मेरा भाई भी आने वाला है, मेरे भाई को भी बुलाया है और वो पीछे रह गया, मैं थोड़ा पहले आ गया। और आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, वो पहले भी उस व्लॉग में आ चुके हैं। तो मिलिए हमारे खास मेहमान, हमारे प्यारे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन? हाँ फाइन सर, फाइन। और कैसे आप सब लोग? तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा व्लॉग था वो किस चीज़ के ऊपर था, और अब ये जो व्लॉग है वो भी उसी चीज़ के ऊपर है। लेकिन इस बार हम थोड़ा नया एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। उस वक्त वो व्लॉग भी ज़्यादा अच्छे से नहीं बना था, लेकिन आज कोशिश ये रहेगी कि आज हम अच्छे से बनाएं वो व्लॉग जो आज हम बनाने जा रहे हैं, और पूरी डिटेल दिखाएं, सिनेमेटिक शॉट्स लें, आपके साथ शेयर करें। ये देखिए हमारा भाई आ गया है। अरे यार, हमने एंट्री कहाँ से मारी, अब हमें जाना कहाँ से पड़ेगा? हैं कहाँ है, कहाँ है? ये रहा, मिल गया। हेलो कर दो, हेलो सर, हेलो। तो यार इस वक्त हमारा भाई भी आ चुका है, और आज का व्लॉग तो ऐसा बनेगा भाई, पूरा गदर व्लॉग बनेगा, मज़ा आ जाएगा आज के व्लॉग में। हाँ हेलो, कहाँ जाना है? ई रिक्शा में बैठो, ई रिक्शा में अभी, वहाँ आगे जाना है हमें। पहले सफ़र करता कि ज़्यादा दूर है क्या? ज़्यादा कितना दूर होगा? 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो भैया 10 से 15 मिनट तो यार पैदल ही कट लेते हैं ई रिक्शा से, पता है क्यों? क्योंकि तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 4:04 ना, चलो क्योंकि तो यार ढाबा बंद ना हो जाए यार। वाह, बोल दो सबको हेलो, हाय हेलो सबको, और क्या बोल, राम 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 राम। और आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि है, और हम बोल दो चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दे, हम चैनल लाइक सब कर दे। तो भाइयों ये गाय देखो यार कितनी वो है, डरावनी। वैसे ही आज शिवरात्रि है, ज्यादा पास गए तो मेरे को तो लग रहा है पास जाऊंगा तो काम हो जाएगा अपना। तो भाई आ चुके हैं हम राजू चूर चूर नान वाले पे। तो भाई क्या है कि यहाँ पे इन्होंने पहले, इनकी रेडी लगती थी 1997 से, ये जो पीछे देख रहे हो ये इनकी पहले रेडी हुआ करती थी, और सबसे बढ़िया चीज़ आज भी वो रेडी इन्होंने लगा रखी है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपना होटल खोल लिया है, तो ये इन्होंने 1997 से लगा रखी है शॉप। ये तो रेडी पे थी, अब यहाँ इन्होंने ले लिया शॉप, ये शॉप है। छोले की सब्जी है ना, ये छोले है जी, ये छोले हैं, और ये वाली कौन सी है? ये दाल मखनी है जी, ये दाल मखनी है, ये शाही पनीर, ये शाही पनीर, और ये रायता, सबसे हिला के दिखा दो रायता एक बार।
ये बहुत ही गाढ़ा रहता है। ये चटनी है जी, ये चटनी है, ये ग्रीन सलाद है। तो ये थाली है, तो ये है दाल मखनी और शाही पनीर, ये चूर चूर नान है ना, ये आलू नान है और ये आलू प्याज नान है आपका, ये आलू प्याज नान है। बहुत बढ़िया है, खाओ भैया, टेस्ट करके बताओ। एकदम गजब, एकदम करारा, और अंदर से एकदम मस्त। तो भाई इनके पराठों के अंदर काजू है और ये चुकंदर है, पनीर है और फुल मक्खन है, और इनकी सब्जी में ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सब्जी बनी है। भाजी कैसा लगा आपको खाना? बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का, आइए एक बार खा के देखिए, दोबारा आएंगे आप यहाँ पर। तो ये है इस शॉप के ओनर तो अंकल जी, आप बताइए कि कब आपने शुरुआत करी थी शॉप की? यहाँ तो कम ही हुआ, यहाँ तो 21-22 साल हो गए। 21 है, तो मैंने जैसे वहाँ देखा था कि 1987 लिखा हुआ है, तब से शायद शुरुआत हुई थी आपकी। तो वहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कहाँ से शुरुआत होती है, आज जाके यहाँ पे इन्होंने, और इस शॉप को कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गए, 1.5 साल यहाँ पे हुए। तो एक शॉप शायद आपने और नहीं खोली है, दो कदम और थोड़ा सा और आ गया, बाल भवन के पास। अच्छा, तो हमने तो अभी आपका खाना खाया, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपका खाना। और बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप द्वारका सेक्टर 12 के आसपास हो तो ज़रूर आओ, क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना है और मसाले भी अंकल जी मैंने देखा बहुत ही सही थे, ज़्यादा वो तेज नहीं थे ना ज़्यादा कम थे, बहुत ही बढ़िया मसाले थे। थैंक यू अंकल जी। तो भाइयों यार, यहाँ का मतलब खाना इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा कि मैं तो बस यार मन कर रहा हूँ और खा जाऊँ दो चार थाली। तो आपको मैं एड्रेस दिखा देता हूँ यहाँ का, देखो सेक्टर 12 द्वारका, वहाँ पे आपको उतरना है और नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, 10 मिनट्स का डिस्टेंस है बैंक ऑफ बड़ौदा येरा ऊपर, और वॉकिंग डिस्टेंस है द्वारका मेट्रो से, सेक्टर 12 से वॉकिंग डिस्टेंस है आपको यहाँ आने में, ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस में 5 या 10 मिनट लगेंगे। भैया आप बताइए कि आपको कैसे लगते हैं नान यहाँ के? अरे भाग गया यार, भाग गया। अरे यार बताओ, बुरा मान गया लगता है यार ये पाजी। बुरा मान गया। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग अस, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंशन फ्री रहिए और खुशी से अपनी पूरी ज़िंदगी जीजिए। राजू के चूर चूर नान खाते रहिए और साथ में MK ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कैसे ब्लॉग्स रहे आप? और मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब बढ़वाइए और अच्छा अच्छा हम आपके पास कंटेंट लेकर आएंगे। वैसे एक काम करना पड़ेगा, इस होटल में ना पापा को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा पता है बहुत बार बोलते हैं कि नान पीछे से नहीं सीखा या कच्चा रहेगा थोड़ा बहुत, तो उनको यहाँ पे नान खिलाऊंगा और आगे से भी पीछे से भी सब जगह से चारों तरफ से पका हुआ मिलेगा उनको। लेकिन अगर पापा आ गए ना यहाँ पे, क्रिस्पी खाना इसमें बहुत बढ़िया, जिस दिन पापा आ गए ना यहाँ पे यहीं आना शुरू कर देंगे। बोलो तो सही।